हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है द टेरेस किचन में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैंगो मूस की रेसिपी। ये जो रेसिपी है थोड़ी सी अलग है और हाँ, ये बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अगर आप इस मूस को फ्रिज में रखेंगे फिर भी आम का जो स्वाद है ये बदलेगा नहीं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए दो मीडियम साइज के आम। यहाँ पर मैं अल्फोंजो यानी हापुस आम यूज कर रही हूँ। ये आम बहुत टेस्टी होते हैं, मीठे होते हैं और साथ ही में इनका जो नेचुरल कलर होता है ये बहुत अच्छा होता है। तो मैंगो मूस बनाने के लिए आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का अच्छे स्वाद वाला आम यूज करें। आप चाहे तो एक पीलर से भी छिलका उतार सकते हैं, पर मुझे एक चाकू ज्यादा आसान लगता है छिलका उतारने के लिए। तो आम का आप छिलका उतार के उसके अंदर का पल्प निकाल सकते हैं या फिर साइड से कट करके भी आप पल्प निकाल सकते हैं। हमें चाहिए इन दो मीडियम साइज के मैंगोस का पल्प। तो इस पल्प को आप पहले एक बोल में जमा कर लें। आम को इस तरह से कट करना बहुत ही मुश्किल काम है, खास तौर से अगर आम हापुस हो, क्योंकि उसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है कि ऐसे लगता है कि यार क्या रेसिपी बनाना, इसे ऐसे ही खा लेते हैं। तो इस मुश्किल काम को मैं कर रही हूँ यहाँ पर और पल्प इकट्ठा कर रही हूँ बोल में। अब आम को हमें मिक्सी में पीसना है, तो इसे अपनी मिक्सी में डाल ले और बिना पानी डाले इसका एकदम बारीक पेस्ट बना लें। काफी सारी मूस की रेसिपी में डायरेक्टली इस पेस्ट को व्हिपिंग क्रीम में डाला जाता है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। इससे क्या होता है कि फ्रिज में रखने के बाद या कुछ देर रखने के बाद जो आम का स्वाद बिगड़ जाता है वो चीज नहीं होगी। अब इसमें डालें 3 टेबलस्पून चीनी और लगभग 5 से 7 मिनट आप इसे मीडियम फ्लेम पर पका लें। पका लेने के बाद आप इसे एक बोल में निकाल लें और ठंडा होने दें। इस तरह से आम को पकाकर मूस बनाने से आपका जो मूस है ज्यादा टेस्टी बनेगा, ज्यादा दिन टिकेगा और सबसे मेन बात उसका स्वाद बिगड़ेगा नहीं। यहाँ पर मैंने ली है 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम जिसमें ऑलरेडी चीनी डली हुई है। इसे मैं अब व्हिप करने वाली हूँ जब तक कि स्टिफ ना हो जाए। जो क्रीम है खास तौर से गर्मियों के मौसम में ध्यान रहे कि एकदम ठंडी होनी चाहिए। आप चाहे तो जिस बोल में उसे व्हिप करने वाले हैं इसे भी फ्रिज में रख सकते हैं और उसके बाद यूज कर सकते हैं। तो ये जो क्रीम है अच्छे से व्हिप हो गई है और जो मैंने पल्प पकाया था ये भी ठंडा हो गया है। गरम गरम पल्प को आप क्रीम में ना डालें। अब बहुत ही हल्के हाथ से स्पैचुला से इसे मिक्स करें ताकि जो हमने इतनी मेहनत से क्रीम व्हिप की थी वो वापस से एकदम चपटी ना हो जाए, उसकी एयर जो है वो कम ना हो जाए। बस हमारा मूस ये तैयार है। इसे आप पाइपिंग बैग में भरें और इसे सर्व करें। आप चाहें तो ऐसे ही चम्मच से भी इसे भर सकते हैं। मूस के अलग अलग तरह के कप्स मिलते हैं मार्केट में, आप वो यूज कर सकते हैं। आप जो सर्विंग बोल्स होते हैं आइसक्रीम वाले, उनमें भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जरा बड़े साइज का बोल यूज कर रही हूँ, तो इस रेसिपी से आप ऐसे 4 से 5 बोल्स बना सकते हैं। अगर आप छोटी छोटी सर्विंग बनाएंगे, छोटे छोटे जो मूस वाले कप्स आते हैं, फिर तो आप आराम से 10 तो बना ही सकते हैं। एक स्पैचुला से आप इसे इस तरह से लेवल भी कर सकते हैं। बस इसी तरह से बाकी के मूस के कप्स को भी भर लें। अगर ज्यादा ही गर्मी है तो मूस के कप्स को भरने के बाद आप तुरंत फ्रिज में रख दें। सर्व करते समय मूस पर डाले आम के टुकड़े, एकदम अच्छे बड़े बड़े आम के टुकड़े, इससे आपके मूस का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। महंगे महंगे रेस्टोरेंट में ये जो सर्विंग्स होती है मूस की, ये काफी महंगी होती है और इतना सारा मिलता भी नहीं है। तो बहुत ही आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं काफी कम खर्चे में। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और द टेरेस किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस रेसिपी को ट्राई करें और एंजॉय।